प्रिय छात्रः अद्य मधुवाप द्वारा आयोजित संस्कृत कक्षां प्रति सर्वेषां सुस्वागतम्। हे प्रिय छात्र छात्री, आज मधुवाप द्वारा आयोजित हेथिबा संस्कृत कक्षा को मु तुमको स्वागत जनाउछि। पिला माने एई ओडिसार मानचित्र ओ एथिरे थिबा गौरव गुडीक ओ लेखाकु देखि तमे ठीक बुझि सारिलणी। आमे आज उत्कल गौरवम विषयटी पढिबाकु जाउछे। पिला माने आमे प्रथम भागरे पढिथिले ए ओडिशा कृषि प्रधान अटे, कृषिजीवी मानको उड्र बोली कुहा जाउथिला एवं सेमानंकर भाषा उड्र भाषा थिला। महाभारत जुगरे एही राज्यर नाम कलिंग थिला। कलिंग माने परम वीर थिले, क्षत्रिय संप्रदायर थिले। हजार हजार कलिंग वीर मानंकर मातृभूमि प्रति आत्म बलिदान को देखि अशोक व्यथित हो जाइथिले एवं युद्ध बर्जन करिया पई निष्पत्ति नेले ओ धौलीगिरी ठारे बौद्ध धर्मरे दीक्षित होई देश विदेशरे बौद्ध धर्मर प्रचार कले। सेठार थिबा शांति स्तूप कलिंगर कीर्ति को एबे भी मन पकाउछि। पिला माने आमे प्रथम भागरे एई सबु विषयरे पढ़िथिले, ताको आधार करी मु किछि प्रश्न पचारुछि। तुम्हें माने समस्ते प्रस्तुत त? बहुत बढ़िया, तुम मानकर आग्रह देखि मते अत्यंत खुशी लागुछि। पिला माने प्रथम प्रश्नटे देखिबा, के उड्र इति कथ्यन्ते, केऊ मानंकु उड्र बोली कुहा जाय, तुम्हें कह। बहुत बढ़िया उत्तर कहिछ। केऊ मानंकु ओडिसार मूल अधिवासी कृषिजीवी मानंकु उड्र बोली कुहा जाय। द्वितीय प्रश्नटे पिला माने देख, अशोक किम कर्तुम निष्पत्तिम चकार, अशोक कौन करिया पई निष्पत्ति नहींथिले, तुम्हें कह। बहुत बढ़िया उत्तर देच, युद्ध को बर्जन करिया पई शह शह हजार हजार कलिंग वीरंकर आत्म बलिदान देखि व्यथित होई अशोक युद्ध बर्जन करिया पई निष्पत्ति नहींथिले। पिला माने तुम्हें माने सबु प्रश्न मन रखिच, पाठ को मन रखिच, बहुत भल कथा। आमे आउ किछि पाठ्यांश को आलोचना करिबा, तुम्हें बही बाहर कर। इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट महामेघवाहन ऐर खार बेल मगधम विजित्य विशालम जीनासन मानीय उदयगिरौ अस्थापयत खंडगिरौ खोदितः हस्तिगुहादयः तथा शिलालेखश्च खारवेलस्य विजयगाथां घोषयन्ति। अशोकस्य प्रभावेण ललितगिरी पुष्पगिरी रत्नगिरी प्रभृति स्थलेषु यथा बौद्धधर्मस्य प्रचार अभवत् खारवेलस्य समये जैनधर्मस्य तथा प्रचारभूत। पिला माने एथिरे थिबा संधि गुड़ी को आमे अवलोकन करिबा। जीनासनम आनीय, एठारे जीनासनम युक्त आनीय, जीनासनम आनीय होइछि। सही परे शिलालेखश्च, शिलालेखः युक्त च, शिलालेखश्च होइछि। प्रचार अभवत्, प्रचारः युक्त अभवत्, प्रचारो भवत्। सही परे प्रचारोभूत, प्रचारः युक्त अभूत, प्रचारोभूत। एहिपरि भावरे संधि विधान करा जाइछ। पिला माने आमे पाठ्यांशटिरे थिबा कठिन पदमानंकर अर्थ को जानिबा। विजित्य, यहार अर्थ हेउछि जय करी। आनीय, आनी। हस्ति गुहादयः, हाती गुंफादि। सेहिपरि अभूत, होइथिला। पिला माने आमे कठिन पद गुड़िकर अर्थ को जानिले वर्तमान जो पाठ्यांशटी को आमे पढ़िले से पाठ्यांश रे प्रत्येक वाक्यर अर्थ को जानिबा। देखो पिला माने, इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट महामेघवाहन ऐर खार बेल मगधम विजित्य विशाल जीनासन मानीय उदयगिरो अस्तापयत। इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट महामेघवाहन ऐर खार बेल मगध को जीति विशाल जीन मूर्ति को आणी उदयगिरी स्थापन कले। सेहिपरि खंडगिरौ खोदितः हस्तिगुहादयः तथा शिलालेखश्च खार बेलस्य विजयगाथां घोषयन्ति। खंडगिरी खोदित होइतिबा हाथी गुंफा आदि ओ शिलालेखा गुड़िक खार बेलंकर विजयगाथा को घोषणा करती। सेहिपरि अशोकस्य प्रभावेण
ललितगिरी पुष्पगिरी रत्नगिरी प्रभृति स्थलेषु यथा बौद्धधर्मस्य प्रचार अभवत् खारवलस्य समये जैनधर्मस्य तथा प्रचार अभूत्। अशोकंक प्रभावरे ललितगिरी पुष्पगिरी रत्नगिरी प्रभृति जगारे जेउपरी बौद्धधर्मर प्रचार होइतिला सेहिपरी खारवलंक समयरे जैनधर्मर सेपरी प्रचार होइतिला। पिलामाने आमे प्रत्येक वाक्यर अर्थकु जानिले एथिरे थिबा एही वाक्यार्थटिकु बा एही पाठ्यांशटिकु आमे छायाचित्र माध्यमरे बुझिबा। महामेघवान ऐर खारवेळ मगधकु विजय करी से उदयगिरी ठारे विशाल जीन मूर्तिकु स्थापन करिथिले एवं खंडगिरीरे थिबा हाती गुंफा ओ शिलालेखा खारवेळंकर विजय गाथाकु घोषणा करे। जेपरि अशोकंक समयरे ललितगिरी पुष्पगिरी रत्नगिरी प्रभृति स्थलरे बौद्ध धर्मर प्रचार घटिथिला सेहिपरि खारवेळंक समयरे जैन धर्मर प्रचार होइथिला। पिलामाने आमे पाठ्यांशटिकु बुझिले वर्तमान ए पाठ्यांशरे थिबा सकारण व्यक्ति गुडिकु जानिबा। इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट महामेघवाहन ऐर खारवेळ मगधम विजित्य विशाल जीनासन मानिय उदयगिरौ स्थापयत। एठारे खारवेळ स्थापयत कर्ता हेउचंती खारवेळ कर्तरी प्रथम व्यक्ति होइचि सेहिपरि मगधम जीनासनम कर्मणि द्वितीय व्यक्ति होइचि। उदयगिरौ केउठारे स्थापन करिथिले ना स्थानाधिकरणे सप्तम व्यक्ति होइचि उदयगिरौ अधिकरणे सप्तमी वा स्थानाधिकरणे सप्तमी व्यक्ति। सेहिपरि खारवेळस्य समय जैन धर्मस्य प्रचार अभूत। एठारे खारवेळस्य समय खारवेळस्य शेषे षष्ठी होइचि सेहिपरि प्रचार अभूत। एठारे कर्तरी प्रथम व्यक्ति होइचि। पिलामाने आमे सकारण व्यक्ति गुडिकु जानिले वर्तमान आउ किछि पाठ्यांशकु आमे आलोचना करिबा। परवर्तिनी काले अत्र सनातन धर्मस्य अभ्युदयेन साकं विविध मन्दिराणां निर्माणं अभवत्। श्रीक्षेत्रस्य श्रीमन्दिरं भुवनेश्वरस्य श्रीलिंगराज मन्दिरं राजराणी मन्दिरं जाजपुरस्य विरजा मन्दिरं शरणकुलस्य लडुकेश्वर मन्दिरं ओडग्रामस्थित श्री रघुनाथ मन्दिरं रेमुणास्थितं श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ मन्दिरं खिचिंगस्थित किचकेश्वरी मन्दिरं केन्द्रापडायाः बलदेवजीव मन्दिरं कोणार्कस्य सूर्य मन्दिरं संबलपुरस्य समलेश्वरी मन्दिरं एतानि मन्दिरेषु प्रसिद्धानि। एतेषु श्रेष्ठं श्री जगन्नाथ मन्दिरं भक्तानां परमाराध्यः श्री जगन्नाथः पुरुषोत्तमः कैवल्यप्रदायकः इति प्रसिद्धिः। पिलामाने एहि पाठ्यांशरे आमे सन्धि विच्छेद गुडिकु अवलोकन करिबा। अभ्युदयेन अभियुक्त उदयेन एहार संयोगरे अभ्युदयेन हेइछि। सेहिपरि लडुकेश्वर मन्दिरं लड़ुक युक्त ईश्वर मंदिरम लड़ुकेश्वर मंदिरम सेपरि जगन्नाथ जगत युक्त नाथ जगन्नाथ होइचि। पुरुषोत्तम पुरुष युक्त उत्तम परस्पर संयोगरे पुरुषोत्तम होइचि। पिला माने आमे एथिरे थिबा संधि गुडी को जानिले एवं कठिन पद मानकर अर्थ को आमे टिके जानिबा। अत्र माने एठारे सेहिपरि साकम सहित कैवल्य प्रदायक मुख्यदाता बा मुक्तिदाता। पिलामाने आमे कठिन पदर अर्थ गुड़िक जानिले वर्तमान प्रत्येक वाक्यर अर्थ को आमे निरीक्षण करिबा। परवर्तिनी काले अत्र सनातन धर्मस्य अभ्युदयेन साकम विविध मन्दिराणां निर्माणं अभवत्। परवर्ती समयरे एठारे सनातन धर्मर अभ्युदय सहित विविध मंदिर मानकर निर्माण है। श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर भुवनेश्वर से श्रीलिंगराज मंदिर राजाराणी मंदिर जाजपुर से विरजा मंदिर शरणकूल से लडुकेश्वर मंदिर ओडग्राम स्थित श्री रघुनाथ मंदिर रेमुणा स्थित क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर खिचिंग स्थित किचकेश्वरी मंदिर केन्द्रापड़ाया बलदेवजीव मंदिर कोणार्कस्य सूर्य मंदिर संबलपुर से समलेश्वरी मंदिर एतानि मंदिरेषु प्रसिद्धानि। पिला माने श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर
भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर राजाराणी मंदिर जाजपुर बिरजा मंदिर शरणकूल लड़ुकेश्वर मंदिर ओडग्राम श्री रघुनाथ मंदिर रेमुणारे क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर खिचिंग्रे किचकेश्वरी मंदिर एवं केन्द्रापड़े बलदेव जीव मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर संबलपुर समलेश्वरी मंदिर एगुड़िक मंदिर मानक प्रसिद्ध अटे। पिलामने आम ओडिशा रे आम उत्कल भूखंड रे अनेक मंदिर रही से मध्यरु एही मंदिर गुड़िक प्रसिद्ध अटे। एही मंदिर मानक मध्यरे वर्तमान आम बड़ परदारे समस्त मंदिर को दर्शन करिबा। देख पिलामने श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र माने पुरी पुरीर श्रीमंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर सेहीपर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर राजाराणी मंदिर एवं जाजपुर बीरजा मंदिर सेहीपर शरणकूल लड़ुकेश्वर मंदिर ओडग्राम श्री रघुनाथ मंदिर रेमुणा क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर खिचिंग किचकेश्वरी मंदिर केन्द्रापड़ार बलदेव जीव मंदिर और कोणार्कर सूर्य मंदिर संबलपुर समलेश्वरी मंदिर एगुड़िक प्रसिद्ध मंदिर अटे। पिलामने आमे केतेबेले सुजोग पाइले सबु मंदिर को दर्शन करिबा। एते सुश्रेष्ठं श्री जगन्नाथ मंदिरम एमानंक मध्यरे श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मंदिर भक्तानां परमाराध्य श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम कैवल्य प्रदायक इति प्रसिद्धि। भक्त मानकर परम आराध्य श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम कैवल्य प्रदायक मुख्यदाता मुक्तिदाता प्रसिद्धि रही। देख पिलामने आमे छायाचित्र माध्यम रे पाठ्यांशटी को बुझिबा। जेते मंदिर आम देखिले प्रसिद्ध मंदिर से मानक मध्यरु श्रीक्षेत्र श्री श्रीमंदिर हेउछि प्रसिद्ध श्रेष्ठ मंदिर अटे। श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर जगन्नाथ मंदिर हेउछि श्रेष्ठ मंदिर एवं भक्तानां परम आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम मुक्तिदायक से प्रसिद्धि बोली समस्ते जानते। पिलामने आमे पाठ्यांशटी को बुझिले वर्तमान एथिरे थिबा सकारण व्यक्ति को टिके जानिबा। परवर्तिनी काले अत्र सनातन धर्मस्य भ्युदयन साकं विविध मंदिराणां निर्माणं अभवत। परवर्तिनी काले परवर्ती समय रे समयाधिकरणे एठारे सप्तमी व्यक्ति होइचे अधिकरणे सप्तमी सेहिपरि अभ्युदयन साकं सह साकं सार्धं ए पद जगे तृतीय व्यक्ति होइता है तेणु अभ्युदयन एठारे तृतीय व्यक्ति होइचे साकं पद जगे। सेहिपरि भक्तानां परमाराध्य श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम कैवल्य प्रदायक हेति प्रसिद्धि। भक्तानां परमाराध्य एठारे सम्बन्धे षष्ठी व्यक्ति होइछ। पिलामने आमे सकारण व्यक्ति गुड़िक जानिले वर्तमान आउ किछि पाठ्यांश को आलोचना करिबा। यद्यपि सर्वाणि मंदिराणि विविध स्थापत्य कला निर्देशनानि भवन्ति तथापि उत्कलीय कारुकार्याणां समुत्कर्षः कोणार्क मंदिरे एव प्रकटीकृतः। सूर्य उपासनार्थं निर्मितस्य चंद्रभागोपकंठावस्थितस्य मंदिरस्यस्य भग्नावशेषः अद्यापि परिदृश्यते। पाषाणखण्डेषु जहाँ सूक्ष्मकलाः उत्खनिताः ताः दर्शकानां विस्मयं जनयन्ति मनांसि हरन्ति च। रथाकृतेः मंदिरस्यस्य द्वादशचक्राणि मंदिरगत्रे खोदिताः मूर्तयः लतापत्रादयश्च सजीवाः इव प्रतिभान्ति। सूक्ष्मकलायाः चरमोत्कर्षात् अस्य भूखण्डस्य नाम उत्कलः इति अनुमीयते। उत्कृष्टाः कलाः जस्मिन् स उत्कल। पिलामने एथिरे थिबा सन्धि विच्छेद गुडीकु आमे देखिबा। परम आराध्यः परमाराध्यः परम युक्त आराध्यः परमाराध्यः सूर्योपासनार्थं सूर्य युक्त उपासना युक्त अर्थम सूर्योपासनार्थम। सेपरि चंद्र भागो उपकंठावस्थस्य चंद्र भागा उपकंठ अवस्थितस्य परस्पर संयोगरे चंद्र भागो उपकंठावस्थस्य होइछि। सेपरि लतापत्रादयश्च लतापत्रः लतापत्र आदयः युक्त च लतापत्रादयश्च होइछि। सेपरि चरम उत्कर्षात् चरम युक्त उत्कर्षात्
ଚରମତ୍କର ସାଥ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ପଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା। ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡେଷୁ, ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ। ସେହିପରି ଉତ୍ଖନିତ, ଖୋଦିତ, ଖୋଳା ହୋଇଛି। ଅନୁମୀୟତେ, ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆମେ କଠିନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଯଦ୍ୟପି ସର୍ବାଣି ମନ୍ଦିରାଣି ବିବିଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ନିଦର୍ଶନାନି ଭବନ୍ତି ତଥାପି ଉତ୍କଳୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟାଣି ସମୁତ୍କର୍ଷଃ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏବ ପ୍ରକଟୀକୃତଃ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ନିଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି ତଥାପି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପ୍ରକଟୀଭୂତ ହୋଇଛି ବା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର୍ଥଂ ନିର୍ମିତସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଉପକଣ୍ଠ ଅବସ୍ଥିତସ୍ୟ ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଦ୍ୟାପି ପରିଦୃଶ୍ୟତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡେଷୁ ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମକଳା ଉତ୍ଖନିତା ତାହା ଦର୍ଶକାନାଂ ବିସ୍ମୟଂ ଜନୟନ୍ତି ମନାଂସି ହରନ୍ତି ଚ। ପଥର ଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଖୋଳାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟଜାତ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ଚୋରାଇ ନିଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାୟାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତଥାପି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କେବଳ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ନିମିତ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ମନକୁ ଚୋରେଇ ନିଏ, ମନକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ପାଠ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବୁଝିଲେ ଆଉ କିଛି ପାଠ୍ୟାଂଶ ଦେଖିବା। ରଥାକୃତ ହେ ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଚକ୍ରାଣି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରେ ଖୋଦିତା ମୂର୍ତ୍ତୟ ଲତାପତ୍ରାଦେଶ୍ଚ ସଜୀବାଃ ଇବ ପ୍ରତିଭାନ୍ତି। ରଥ ଆକୃତିର ଏହି ମନ୍ଦିରର ବାରଟି ଚକ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଓ ଲତାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମନେ ହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଏହା ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷାତ୍ ଅସ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡସ୍ୟ ନାମ ଉତ୍କଳ ହୋଇତି ଅନୁମୀୟତେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ଉତ୍କଳ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଯସ୍ମିନ୍ ସହ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଯେଉଁଠି ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଠ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବୁଝିନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାୟାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ପାଠ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବୁଝିବା। ରଥ ଆକୃତିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟି ରଥ ଆକୃତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଚକ୍ର ବାରଟି ଚକ୍ର ତାର ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚକ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଠାରେ ବି ଚକ୍ର ରହିଛି। ଏହିପରି ବାରଟି ଚକ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ରଥ ଆକୃତି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଲତାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ହେତୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହେତୁ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ଉତ୍କଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଠ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଥିବା ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡେଷୁ ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଉତ୍ଖନିତା ତାହା ଦର୍ଶକାନାଂ ବିସ୍ମୟଂ ଜନୟନ୍ତି ମନାଂସି ହରନ୍ତି ଚ। ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡେଷୁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ବା ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିସ୍ମୟଂ ମନାଂସି ଏଠାରେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଏହା ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷାତ୍ ଅସ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡସ୍ୟ ନାମ ଉତ୍କଳ ହୋଇତି ଅନୁମୀୟତେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁ ଯୋଗେ ବା ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାହା ଜସ୍ମିନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ବା ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଏଇ ପାଠ୍ୟାଂଶଟିରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାନ ଐର ଖାରବେଳ ମଗଧକୁ ବିଜୟ କରି ବିଶାଳ ଜିନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି
उदयगिरी स्थापन कले। खंडगिरी थिबा शिलालेखा हाथी गुंफा खारवेलंकर विजय गाथा को घोषणा करे। जेपरी अशोकों प्रभाव रे ललितगिरी पुष्पगिरी रत्नगिरी ठारे बौद्ध धर्म प्रचार होता से हीपरी खारवेलंक समय जैन धर्म प्रचार होता। परवर्ती समय रे सनातन धर्म अभ्युदय सहित विभिन्न मंदिर मान निर्माण होला एवं सबु मंदिर मानक मध्यरु श्रेष्ठ हेउची श्री जगन्नाथ मंदिर। सेठारे थिबा प्रभु जगन्नाथ पुरुषोत्तम मुक्तिदायक बोली प्रसिद्ध अटंती। पिला माने जेते मंदिर रहिची सबु मंदिर मानक मध्यरु उत्कृष्ट कला कोणार्क सूर्य मंदिर रे देखिबा को मिले। सेहा सूर्य उपासना पई चंद्रभागा उपकंठरे वर्तमान मध्य तार भग्नावशेष देखिबा को मिलुची। पिला माने एही भूखंड रे उत्कृष्ट कला देखिबा को मिलुथिबारु एही भूखंड रा नाम उत्कल बोली अनुमान करा जाउची। जेउठारे उत्कृष्ट कला तहाई होउचे उत्कल। पुनर्बार आमे सारांश को टिके जानि नबा। खैर खारवेल मगध को जीति विशाल जिन मूर्ति को उदयगिरी ठारे स्थापन कले। खंडगिरी खोदित होता हाथी गुंफा और शिलालेखा गुड़िक खारवेल विजय गाथा घोषणा करती। अशोकों प्रभाव में ललितगिरी पुष्पगिरी रत्नगिरी प्रभृति जगार जेपरी बौद्ध धर्म प्रचार होता खारवेल समय जैन धर्म सेपरी प्रचार होता। परवर्ती समय एठार सनातन धर्म अभ्युदय सहित विभिन्न मंदिर मानक निर्माण होला। श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर राजाराणी मंदिर जाजपुर बिरजा मंदिर शरणकूल लडुकेश्वर मंदिर ओडग्राम श्री रघुनाथ मंदिर रेमुणारे क्षीरचरा गोपीनाथ मंदिर किचिंग किचकेश्वरी मंदिर से हीपरी केन्द्रापड़ा बलदेवजी मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर संबलपुर समलेश्वरी मंदिर एगुड़िक मंदिर मान प्रसिद्ध। एम श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मंदिर भक्त मानकर परम आराध्य श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम मुख्यदायक बोली प्रसिद्ध। जदिओ समस्त मंदिर भिन्न भिन्न स्थापत्य कला निदर्शन अटंती तथापि उत्कलीय मानकर कारुकार्य श्रेष्ठता कोणार्क मंदिर रे प्रकटित होइछि। सूर्य उपासना पै निर्मित चंद्रभागा उपकंठरे थिबा एई मंदिर रो भग्नावशेष आजि मध्य देखा जाए। पथरखंड मानकर जे सूक्ष्म कला खोला जाइछि सेगुडीक दर्शक मानकर विस्मय जात करे ओ मनकु चोराई नि। रथ आकृति रे मंदिर बारटी चक मध्य चक मंदिर गात्र रे खोदित होइछि। मूर्ति गुड़िक लता पत्र गुड़िक जीवंत परि मन हुए। सूक्ष्म कलार चरम उत्कर्ष हेतु एही भूखंडर नाम उत्कल बोली अनुमान करा जाउछि। उत्कृष्ट कला जेउठी ताहा होउछि उत्कल। पिला माने आमे पाठ्यांशटी बुझिनले आमे पढ़ीथिबा विषय को आधार करी मु किछि प्रश्न तुम पई रखुछि तुमे तार उत्तर दियो। कस्य समय जैन धर्म से प्रचार अभवत कहार समय रे जैन धर्म प्रचार होता हाँ तुम्हें कह। बहुत बढ़िया उत्तर दे खारवेल समय रे जैन धर्म प्रचार होता। से हीपरी बिरजा मंदिर कुत्र वर्तते बिरजा मंदिर केउठारे अच्छी जाजपुर रे बिरजा मंदिर रही कह कैवल्य प्रदायक किए मुक्तिदायक अटंती श्री जगन्नाथ हेउछंती मुक्तिदायक बा मुख्यदायक। श्री जगन्नाथ हेउछंती मुक्तिदायक बा मुक्तिदाता। पिला माने आउ किछि प्रश्न तुम पई रहिछि तुम्हें तार उत्तर कहो। साकम ए पद को व्यवहार करी एक वाक्य रचना कर तुम्हें कह। बहुत बढ़िया उत्तर दे पित्रा साकं पुत्र गच्छति से परी संधि विच्छेदम कुरुत संधि विच्छेद कर परमाराध्य परमाराध्य संधि विच्छेद कर परम युक्त आराध्य परस्पर संजोग रे परमाराध्य होइछि। सही परी पिला माने आमे समस्त प्रश्नर उत्तर कले। वर्तमान तुम पई आउ एक प्रश्न देउछि तुम्हें आकु घरे करिवो।
उत्कले कानि प्रसिद्धानि मन्दिराणि राजन्ते निज भाषया निज भाषा प्रायश वाक्य तीनोटी रे तुम्हें यार उत्तर लिखिब उत्कले कानि प्रसिद्धानि मन्दिराणि राजन्ते केउ केउ मन्दिर गुड़िक रहिछि तुमने सब जानिछ या तुम्हें खातारे करिब पिलामाने तुम्हें ध्यानपूर्वक विषयटी को अवगत कल बुझिला तेणु तुमको अशेष अशेष धन्यवाद।